सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर सेंटर की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर एजुकेशन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की भी मीटिंग हुई थी, उसमें सर क्या बड़ा डिसीजन हुआ? तो मैं आप सभी बताना चाहूँगा कि कोई खास मीटिंग में बात एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में नहीं की, क्योंकि अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा तो वो एक पर्टिकुलरली मेनली एजुकेशन मिनिस्टर की और पीएम की बैठक होगी। हो सकता है कहीं ना कहीं पीएम ने और एजुकेशन मिनिस्टर ने बोर्ड एग्जाम्स पे भी बात करी होगी, लेकिन ओपनली अभी तक कुछ नहीं आया है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। सिक्योरिटी रीज़न क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अचानक से कोई फैसला गवर्नमेंट नहीं बताती, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अचानक से कोई फैसला बता देती है तो काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी को इतना ही कहूँगा कि जो अभी माहौल है उस माहौल के अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे करके डिसीजन मिलेंगे। जैसे अब देखो, जो दूसरे सेक्टर हैं उनके भी कई सारे डिसीजन पेंडिंग है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इकोनॉमिकल सेक्टर है और जो आर्मी सेक्टर, मतलब जो अपने इंटरनल सेक्टर है कैबिनेट के, उन सभी की सब मीटिंग हो रही है, हर एक डिसीजन पे बात हो रही है। तो मैं आप सभी को इतने कहूँगा, ज़्यादा इसके ऊपर वेट मत करो, आप सभी मेहनत करते रहो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपको बहुत जल्दी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। तो आप सभी के लिए अपडेट यही है। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि सेंटर के साथ जो मीटिंग हुई इसमें क्या फैसला हुआ, तो मैं आप सभी बताना चाहूँगा कि बातचीत हुई है कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की और एजुकेशन मिनिस्टर की बोर्ड एग्जाम पर, क्योंकि कई सारे स्टेट बोर्ड के बोर्ड एग्जाम पेंडिंग में हैं, ICSE बोर्ड के है, CBSE बोर्ड के है, सब कुछ सबका डिसीजन CBSE पे, CBSE जो डिसीजन लेगी वही दूसरे स्टेट बोर्ड लेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी डिसीजन इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा वेट करो, आपको आने वाले कुछ वीक्स के अंदर अच्छा न्यूज़ मिल सकता है। तो आप सभी को इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी घर पर रहो और सेफ रहो।